दोस्तों, हम में से हर आदमी बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और आप में से भी बहुत सारे लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ताकि आप उस बेस्ट इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाएं और अमीर बनकर अपनी मनपसंद लाइफ जी सकें। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट के विकल्पों को देखें तो आज हमारे सामने इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, बैंक डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट के स्कीम्स और बहुत कुछ। लेकिन असली सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट के इन सभी विकल्पों में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट में दाव लगाना चाहिए। क्या वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है, या फिर म्यूचुअल फंड है, या फिर रियल एस्टेट, या कुछ और। तो दोस्तों, जब हजारों लोगों के सामने यही सवाल इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे से पूछा गया कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, तो इस महान निवेशक ने कुछ सेकेंड सोचा और एक बिल्कुल अलग ही जवाब दिया और बताया कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एनी टाइम यू कैन मेक बाय इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटी। जवाब सुनकर काफी सारे लोग परेशान हो गए, क्योंकि सभी लोग बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते थे, जबकि वॉरेन बफे ने बिल्कुल एक अलग ही बात कही। और उन्होंने ना तो स्टॉक मार्केट, ना म्यूचुअल फंड, ना रियल एस्टेट, ना बिजनेस, किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में ये कहा कि किसी भी इंसान के लिए कभी भी सबसे बड़ा निवेश यही होगा कि वह सबसे पहले अपने आप में निवेश करे, अपनी एबिलिटी यानी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में निवेश करे। तो दोस्तों, वॉरेन बफे की ये बात सुनकर हमारे मन में तीन सवाल आते हैं। पहला, बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में वॉरेन बफे ने ऐसा क्यों कहा? और दूसरा, आखिर खुद में निवेश करने का क्या मतलब है? और तीसरा, हम खुद पर निवेश कैसे कर सकते हैं? तो आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वॉरेन बफे ने इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ यानी खुद में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कहा है और इसके क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वॉरेन बफे खुद इस दुनिया के ऑल टाइम बेस्ट और सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब उनसे बेहतर कोई और दे सकता है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो अब अगर उन्होंने खुद पर किए गए इन्वेस्टमेंट को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बताकर इतनी बड़ी बात कही है, तो इसके पीछे कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल, वॉरेन बफे ने यह सिंपल सी लगने वाली बहुत बड़ी बात को बहुत सोच समझ कर ही कही है, और उन्होंने अपने इस बात के पीछे के बहुत सारे शानदार लॉजिक दिए हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि हर इंसान अपनी काबिलियत के आधार पर ही कमाई कर सकता है, जितनी काबिलियत उतनी कमाई, ना कम ना ज्यादा। इसलिए आप किसी भी फील्ड में काम करते हुए उतना ही पैसे कमा सकते हैं जितनी आपके अंदर काबिलियत है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान भाग्यशाली होने के कारण अपनी काबिलियत से ज्यादा जरूर कमा रहा हो, लेकिन लंबे समय में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान अपनी काबिलियत से कम कमा पाए। यानी दौलत का नियम यह है, जितनी काबिलियत उतनी कमाई, ना कम ना ज्यादा। इसलिए वे कहते हैं कि दौलत के पीछे मत भागो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट के पीछे मत भागो, अपने आप को काबिल बनाओ, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, दौलत अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो एक कंपनी में सभी लोग 8 घंटे काम करते हैं। उस 8 घंटे काम करने के बदले किसी को 10,000 की सैलरी मिलती है, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000 और किसी को 1 लाख, तो किसी को 2 लाख। अब सवाल ये आता है कि एक ही कंपनी में एक ही छत के नीचे काम करते हुए अलग अलग लोगों की सैलरी अलग अलग क्यों मिल रही है? सभी लोग 8 घंटे ही काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? जवाब शायद आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और जवाब ये है कि 10,000 रुपये सैलरी कमाने वाले के पास सिर्फ 10,000 रुपये तक काम करने का ज्ञान, अनुभव और काबिलियत है, जबकि 20,000 रुपये सैलरी कमाने वाले के पास 20,000, और 30,000 की सैलरी कमाने वाले के पास 30,000, और 50,000 की सैलरी कमाने वाले के पास 50,000, और 1 लाख की सैलरी कमाने वाले के पास 1 लाख, और 2 लाख की सैलरी कमाने वाले के पास 2 लाख का ज्ञान, अनुभव और काम करने की काबिलियत है। अब जैसा मैंने पहले कहा, इसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो लकी होते हैं, या छल कपट, या किसी तरीके से सोर्स पैरवी का सहारा लेकर किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और अपनी काबिलियत से अधिक पैसे कमा लेते हैं। लेकिन इसमें से ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर सच्ची काबिलियत हो और वो अपनी काबिलियत से कम कमा रहा हो, क्योंकि अगर उसके अंदर सच में काबिलियत है और वो अगर कम कमा रहा है तो या तो कंपनी
उसे जल्दी जल्द उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ा देगी, या फिर वह काबिल आदमी अपनी काबिलियत के अनुसार किसी और कंपनी में काम खोज लेगा और उसकी इनकम बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे, हम तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे, सैलरी और इनकम की बात कहाँ से आ गई? तो दोस्तों, ये सब कहने और बताने का मतलब ये है कि हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि हम उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना हमारे अंदर काबिलियत है। अब हम चाहे नौकरी करें, या किसी प्रोफेशन में हो, या किसी छोटे मोटे व्यवसाय में हो, या फिर हम किसी बड़ी कंपनी के मालिक बन जाएं, या फिर हम किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, चाहे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट या कोई भी निवेश का विकल्प। दरअसल हम किसी भी फील्ड से उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना उस फील्ड के बारे में हमारे अंदर ज्ञान, समझ, अनुभव और काम करने का अनुशासन होगा। यानी सीधी सी बात यह है कि हम अच्छे से अच्छे और बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट के विकल्प जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या किसी भी निवेश के विकल्पों से सिर्फ उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना उस निवेश के बारे में हमारे अंदर काबिलियत है, यानी जितना उस निवेश के बारे में हमारे पास ज्ञान, अनुभव और काम करने का अनुशासन है। जैसे एक ही कंपनी के शेयर खरीद कर कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन उसी कंपनी के शेयर खरीद कर कुछ लोग बहुत सारा पैसा गंवा देंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि अलग अलग लोगों के पास स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान, अनुभव और काबिलियत अलग अलग होता है। और इसीलिए मिस्टर वॉरेन बफेट सलाह देते हैं कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा कि वह अपने आप में निवेश करे, और वो जिस फील्ड में भी निवेश करना चाहता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो या कुछ और, उस निवेश के बारे में सबसे पहले अपना ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी क्षमताओं को बढ़ाए। इसके अलावा मिस्टर वॉरेन बफेट खुद में किए गए निवेश को सबसे बेस्ट मानने के पीछे और भी बहुत सारे लॉजिक देते हैं। जैसे मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपका अच्छे से अच्छा निवेश डूब सकता है, कंपनियां डूब सकती हैं, स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन आते रहेंगे, आपका सारा धन चोरी किया जा सकता है, लेकिन आपकी क्षमताओं, आपके ज्ञान, आपके अनुभवों और आपके काबिलियत की चोरी नहीं की जा सकती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट फेल हो सकता है, लेकिन खुद पर किया गया निवेश कभी बेकार नहीं जाता, कभी नहीं डूबता, और खुद में किए गए निवेश से आपको गारंटेड लाभ होता है। साथ ही खुद में किए गए निवेश को वे बेस्ट निवेश इसलिए भी मानते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि जिस तरह एक शानदार से शानदार गाड़ी BMW, मर्सिडीज या फेरारी, अच्छी से अच्छी गाड़ी या कोई भी गाड़ी रोड पर कैसे चलेगी, ये उस ड्राइवर की काबिलियत पर डिपेंड करता है जो गाड़ी को चला रहा है। क्योंकि अगर ड्राइवर काबिल नहीं है तो वो अच्छी से अच्छी गाड़ी को भी ठीक तरह से नहीं चला पाएगा और उसके रोड पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक वैसे ही किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर कोई इन्वेस्टर एंट्री कर रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट में उसकी सफलता इस बात से तय होगी कि वह इन्वेस्टर कितना काबिल है। इसके अलावा मिस्टर वॉरेन बफेट खुद पर किए गए निवेश के बारे में वे अपना खुद का भी एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ इतना किया है कि अपनी काबिलियत को बढ़ाया है। और अपनी काबिलियत को बढ़ाने की शुरुआत उन्होंने डेल कार्नेगी की कम्युनिकेशन स्किल की एक ट्रेनिंग के साथ की थी, और वे आज भी डेल कार्नेगी की उस ट्रेनिंग में किए गए इन्वेस्टमेंट को अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जिसके बाद उन्होंने लोगों से बात करना सीखा और किताबें पढ़ने की आदत डाली थी, और वे आज भी हर दिन बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं और अपनी काबिलियत, अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अच्छे इन्वेस्टमेंट परखने की अपनी क्षमता को बढ़ाते ही रहते हैं, और लगातार सालों साल अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहना ही उनकी सफलता का असली राज है। क्योंकि जितनी ज्यादा उनकी काबिलियत बढ़ी, उतनी ही ज्यादा उनकी दौलत भी बढ़ती गई, और दौलत का नियम भी यही है कि हम जितने काबिल होते हैं उतनी ही दौलत हम कमा पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यही होगा कि सबसे पहले आप खुद पर निवेश करें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर खुद पर निवेश करने का सही मतलब क्या है? तो दोस्तों, आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि मिस्टर वॉरेन बफेट जो खुद पर निवेश करने के बारे में बात कर रहे हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऊपर खूब ढेर सारे पैसे खर्च करें, बल्कि खुद पर निवेश करने का असली मतलब है खुद की क्षमताओं को बढ़ाना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। अब जैसा हमने पहले एग्जांपल में देखा, अगर कोई इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है तो सीधी सी बात यह है कि उसकी क्षमता और उसका माइंडसेट 10,000 तक ही सीमित है, और हो सकता है कि वो उतने में ही खुश हो, लेकिन अगर वह 10,000 से 50,000 रुपए अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी क्षमताओं और अपने माइंडसेट को
50,000 रुपये के लिए तैयार करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले उसे 10,000 के माइंडसेट से बाहर निकलकर 50,000 के माइंडसेट के लिए काम करना होगा। उसे अपने स्किल्स पे काम करना होगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा। उसे 50,000 इनकम तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी जो वो कर सकता है। याद रखिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हर धर्म में एक बात जरूर बताई गई है कि हर इंसान में असीमित शक्ति होती है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन इंसान के अंदर जो शक्ति होती है वो सोई रहती है, और ज़रूरत होती है उस शक्ति को जगाने की, और इस शक्ति को जगाने के लिए तप, लगन और साधना की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो हम खुद पर निवेश करने के बारे में बात कर रहे हैं वो भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें आप खुद के ऊपर काम करके अपनी क्षमताओं, अपने स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके आप अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि आप वो हासिल कर सके जो आपको चाहिए। और एक बार जब आप अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं तो आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि अपने ऊपर निवेश करने का मतलब, यानी इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का मतलब है खुद की काबिलियत को बढ़ाने के लिए काम करना। अब सवाल ये आता है कि खुद पर निवेश या इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और अपनी काबिलियत को कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, काबिलियत का मतलब है पर्याप्त ज्ञान, अनुभव, क्षमता और काम पूरा करने का अनुशासन। और मैं आपको बता दूं कि काबिलियत मार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं है जिसे आप पैसे से खरीद सकते हैं, और दूसरा, आप चाह कर भी रातों रात अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ा सकते हैं, काबिलियत के लिए समय लगता है। और दूसरा, जिस तरह सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, ठीक उसी तरह काबिलियत की कोई ऊपरी सीमा नहीं है जहां पर आप पहुंच कर ये कह सके कि आप इस दुनिया के सबसे काबिल और सफल आदमी हैं, बल्कि काबिलियत अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहने का एक प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को लगातार इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहें। और इसके लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, आप सेल्फ लर्निंग करें और लगातार सीखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। और दूसरा, आप जिस फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से ट्रेनिंग लें, कोच की हेल्प लें, सेमिनार अटेंड करें और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने का काम करते रहें। और तीसरा, सबसे अच्छा विकल्प है पहले दोनों का कॉम्बो, यानी आप पहले दोनों विकल्पों के लिए अपने आप को हमेशा ओपन रखें। आप सेल्फ लर्निंग भी करें और जॉब से या बिजनेस से जो भी टाइम बचता है उसका इस्तेमाल आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में करें, और अगर पॉसिबल हो और ज़रूरी लगे तो आप ट्रेनिंग भी अटेंड करें, कोचिंग भी ज्वाइन करें और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। तो अगर आप सेल्फ लर्निंग या ट्रेनिंग के द्वारा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। टिप नंबर 1, आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज हासिल करें। उस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको आज इंटरनेट पर फ्री में मिल जाएगी। आप इन फ्री की चीज़ों की वैल्यू को समझें। आपने सुना ही होगा, लीडर्स आर रीडर्स, यानी जो लीड करता है उसका पहला गुण है वो पढ़ता है और पढ़ते रहने का महत्व जानता है। और आपको भी कुछ ऐसे ही करना होगा। इसके लिए आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोगों और सफल लोगों से संभव हो तो मिले, उनके बारे में पढ़े, किताबें पढ़े, उनको सुने, या फिर उनके कंटेंट अगर यूट्यूब पर अवेलेबल है तो उनके वीडियोज़ को देखें। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट हमारे लिए वरदान है जो आज से पहले हमारे इतिहास में कभी नहीं था। इसके महत्व को जरूर समझें। टिप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुने। जब भी आप कोई चीज इंटरनेट पर पढ़ते हैं या ऑडियो बुक सुनते हैं या इवन वीडियोस देखते हैं, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आप अपने दिमाग में सब कुछ भरने के बजाय जो भी पढ़ें, जो भी सुने या जो भी वीडियोस देखें उसका नोट्स बनाएं। ये नोट्स आपका बहुत सारा समय बचा सकते हैं, और ये नोट्स जैसे जैसे बढ़ेगा आप समझ पाएंगे कि आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और आपने काफ़ी कुछ सीखा है। अगर आप बिना नोट्स के ही किताबें पढ़ रहे हैं, ऑडियो बुक सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप इस तरह से अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि बाद में अचानक कुछ बहुत ज़रूरी बात जब याद करनी होगी तो आपको वापस वो पूरी किताब, वो पूरा ऑडियो बुक या पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ से आपने कुछ सीखा था। टिप नंबर 3, अगर आप किसी एक्सपर्ट की ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जिसके पास आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वहाँ पर आप एग्जैक्टली क्या सीखने जा रहे हैं, और क्या वह ट्रेनर उस चीज़ में एक्सपर्ट है जो आप उससे सीखना चाहते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं कि आपको दरअसल क्या सीखना है तो सीखना और सिखाना दोनों आसान हो जाता है। और चौथा और आखिरी टिप है, आप इस बात को मत भूलें कि आपके पास 2 सबसे कीमती चीज़ है, आपका समय और आपकी बुद्धि। और अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने समय और बुद्धि, जो आपकी सबसे कीमती चीज़ है, उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी आप अपने सबसे कीमती चीज़, अपने समय और अपनी बुद्धि का
किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या हासिल करते हैं। याद रखें, समय के इस्तेमाल को आप इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, और नौकरी पेशा या व्यवसाय में समय और बुद्धि का सही तरह से इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप यानी रिश्तों में समय और बुद्धि का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत मधुर बना सकते हैं और अच्छे दोस्त बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने समय और बुद्धि का सही इस्तेमाल अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में करते हैं तो आप अपने आप को फिट और तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो इसीलिए मिस्टर वॉरेन बफे ने ये कहा है कि आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद पर किया गया निवेश, क्योंकि सारा फर्क इसी बात से पड़ता है कि आप अपने सबसे कीमती चीज अपने समय और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल या इन्वेस्टमेंट किस तरह से और कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो जिस तरह एक कम कीमत की एक नॉर्मल गाड़ी के साथ एक अच्छा ड्राइवर बिना किसी एक्सीडेंट के आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, जबकि दूसरी तरफ एक अच्छी से अच्छी गाड़ी BMW, मर्सिडीज या फरारी होने के बावजूद एक खराब या नौसिखिया ड्राइवर आपको मंजिल पहुंचाएगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। हो सकता है कि टॉप मॉडल कार होने के बावजूद वह खराब ड्राइवर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट कर दे। ठीक उसी तरह एक ट्रेंड इन्वेस्टर यानी निवेशक किसी भी निवेश को बेस्ट इन्वेस्टमेंट बना सकता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट को अच्छा या बुरा वह निवेशक बनाता है जो निवेश करता है। इसलिए इस वीडियो की सीख है, बजाय बेस्ट इन्वेस्टमेंट के पीछे भागने के, आप एक अच्छे निवेशक बने। और अच्छे निवेशक बनने के लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा कि आप सबसे पहले खुद पर निवेश करें। तो दोस्तों, आशा है आपको इस वीडियो से ये समझने में जरूर हेल्प मिला होगा कि खुद पर निवेश करना क्यों हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आप खुद में कैसे निवेश कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिनको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।